नमस्कार, नमस्ते बिहार, में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। और इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार बीजेपी में बड़ा फेरबदल हुआ है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष अब दिलीप जायसवाल बने हैं। भूमि सुधार और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल हैं। वैश्य समाज से दिलीप जायसवाल आते हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं, सिक्किम के बीजेपी प्रभारी हैं। तो सीमांचल में अच्छी राजनीतिक पकड़ इनकी मानी जाती है। और इससे पहले सम्राट चौधरी अध्यक्ष थे, तो एक बड़ा फेरबदल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किया गया है। अब दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं। बता दें कि मंत्री भी है, भूमि सुधार और राजस्व मंत्री है नीतीश सरकार में। वैश्य समाज से दिलीप जायसवाल आते हैं और बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, यानी कि एमएलसी है। सिक्किम के बीजेपी प्रभारी भी ये हैं और सीमांचल में इनकी अच्छी राजनीतिक पकड़ मानी जाती है। तो एक बड़ा फेरबदल जो है वो किया गया है। सम्राट चौधरी की जगह अब दिलीप जायसवाल ने ले लिया है। इससे पहले सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे बिहार के। और देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले इस बड़े फेरबदल का असर कितना होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि वैश्य समाज को साधने की एक कोशिश, इसके साथ साथ अगर बात करें कि सीमांचल में, तो सीमांचल में भी इनकी अच्छी पकड़ है। और खास करके सीमांचल की अगर बात करें, तो सीमांचल को खास करके बीजेपी टारगेट करना चाहती है। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कितना राजनीतिक असर खास करके चुनाव के मद्देनजर भी देखने को मिलता है। और अब आपको बताते हैं कि बीजेपी के जो नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल बनाए गए हैं, वो कौन है। तो देखिए, भूमि सुधार और राजस्व मंत्री हैं फिलहाल दिलीप जायसवाल नीतीश सरकार में। बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। खगड़िया में 2 मई 1963 को उनका जन्म हुआ था, यानी कि 2 मई उनका डेट ऑफ बर्थ है। और बताया जा रहा है कि एमएससी, एमबीए, पीएचडी और एमफिल की डिग्री उन्होंने हासिल कर रखी है। उनकी पढ़ाई की बात करें तो बीजेपी के कोषाध्यक्ष पहले रह चुके हैं दिलीप जायसवाल। 20 साल से अधिक समय तक बीजेपी के कोषाध्यक्ष वो रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी के कद्दावर नेता के तौर पर उनकी पहचान है। किशनगंज के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के निदेशक रह चुके हैं। सीमांचल इलाके में बीजेपी के एक बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। विधान परिषद में बीजेपी के उप मुख्य सचेतक भी हैं। समाज सेवा के लिए राज्यपाल से दिलीप जायसवाल को सम्मान भी मिल चुका है। और बीजेपी ने एक बार फिर से बिहार में वैश्य वोट को देखते हुए ये फैसला लिया है। दिलीप जायसवाल तीसरी बार बिहार विधान परिषद के सदस्य बने हैं। दिलीप जायसवाल सिक्किम भाजपा के प्रभारी भी हैं और इसके साथ ही सीमांचल के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में भी उनकी काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। दिलीप जायसवाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने से खासतौर पर किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल और सहरसा में बीजेपी को मजबूती मिलेगी, जो बीजेपी का मुख्य टारगेट भी है। दिलीप जायसवाल मूल रूप से खगड़िया जिले के रहने वाले हैं और राजनीतिक किशनगंज और सीमांचल से करते हैं। तो दिलीप कुमार जायसवाल के नाम की जैसे ही घोषणा हुई, उन्हें बधाई बीजेपी कार्यकर्ता उनके घर पर देने पहुंच गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। बिहार सरकार के मंत्री भी दिलीप जायसवाल को बधाई देने पहुंचे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने भी उन्हें नई जिम्मेवारी के लिए बधाई दी। न्यूज 18 से बातचीत में दिलीप जायसवाल ने पूरी ईमानदारी से जिम्मेवारी निभाने का वादा किया। हर बीजेपी के प्रदेश बनाए क्या कहेंगे? मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आप लोगों से ही मालूम हुआ है अभी कि इस तरह का अध्यक्ष का हमारा जो है जिम्मेवारी राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया है, तो मैं अपने नेतृत्व को प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और सर, एक कोई प्राथमिकता होती है तो आपके लिए प्राथमिकता क्या रहेगी? रहेगी सर, किस प्रकार से काम होगा बिहार के लिए? मेरी तो एक ही प्राथमिकता होगी कि संगठन को मजबूत करके कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हुए आने वाले 2025 में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की गठबंधन की सरकार एक मजबूत सरकार बने। सर, एक 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 सर ये भी बात आ रही है कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, एक बड़ी जिम्मेदारी और समय कम है, तो कैसे क्या कुछ रोडमैप बना है? हमारे पहले मैं जब अगर आप पिछले ये को देखें तो जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री सम्राट चौधरी जी हैं, और उसके पहले भी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल जी, नित्यानंद राय जी, मंगल पांडे जी रहे हैं,
सब लोगों ने पार्टी को काफी सींचा है और दिन रात मेहनत किया है और मुझे उसी को आगे लेकर चलना है। और उनके उनके जो प्रबंधन था पहले, जो उनका एक सोच था पार्टी के लिए कि संगठन को मजबूत करने का, उसी को मुझे आगे बढ़ाना।